हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आज आप लोगों को साउथ इंडियन डोसा बनाने सिखाएगा। ये मसाला डोसा है, उसके लिए क्या चाहिए? डोसा का डो के लिए एक कप उबला हुआ चावल, नहीं तो बासमती चावल बॉईल करके रखा है, एक कप चावल का पाउडर है, ये मैदा है, ऑल पर्पज फ्लावर है एक कप, नमक जाएगा, एक कुकिंग सोडा है ये आधा टीस्पून जाएगा, और दही जाएगा 150-200 ग्राम तक दही जाएगा। और मसाला के लिए बॉईल किया हुआ आलू है, तड़का देने के लिए एक राई है, सरसों बोलते हैं कोई, जीरा है, सूखा मिर्ची है, हरा धनिया है, ऑनियन चॉप है, अदरक चॉप है, लहसुन का चॉप है, और मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, एक काली पाउडर है, इसका अंदर जीरा धनिया सब मिक्स है, और धनिया पत्ता जाएगा, और तलने के लिए ऑयल जाएगा। सबसे पहले मैं डो बनाने के लिए एक कप यानी 200 ग्राम और 250 ग्राम बना हुआ चावल है, पका हुआ, बासमती है, नहीं तो आतप चावल का चलेगा, ये बना हुआ है, पका हुआ है। इसमें चावल का पाउडर एक कप डालेगा, मैदा यानी ऑल पर्पज फ्लावर एक कप डालेगा, और पानी डालेगा कप है, इधर कप एक कप लिखा है, इसका हिसाब से पूरा सामान डालेगा, ये एक कप और थोड़ा डालेगा, सबको एक साथ इसको ग्राइंड करना है मिक्सी में। अभी ये पिसा हुआ हो गया, इसको एक बड़ा बोल में हम ट्रांसफर करेगा, इसको मैं, ये इसमें चावल पाउडर है, पका हुआ चावल है और मैदा है, अभी ये डाला इसके अंदर, अभी क्या क्या जाएगा, एक खट्टा दही है यानी योगर्ट, 100 ग्राम से 150 ग्राम तक जाएगा, नमक जाएगा आपको अंदाज का हिसाब से, और कुकिंग सोडा, ए सोडा खाने में जो यूज करते हो सोडा है, कुकिंग सोडा, ए हाफ टीस्पून का, जैसे छोटा टीस्पून फुल देने का, बड़ा होगा तो इतना देने का, सब एक साथ इसको मिक्सी में एक साथ इसको मिक्स करना है। ये हमारा डो हो गया, डोसा का डो हो गया, ये अभी इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक के रखेगा। अभी डोसा का अंदर स्टफिंग करने के लिए आलू बॉईल करके रख, उसको काटा चम्मच से आपको थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ना है, एकदम मैक्स मिक्स नहीं करने का, थोड़ा थोड़ा अक्खा थोड़ा थोड़ा मिक्स ऐसे चाहिए, खाली इसको तोड़ना है। ये स्टफिंग का आलू हो गया, सबसे पहले हम कढ़ाई चालू करेगा, फिर टीस्पून ऑयल डालेगा, सबसे पहले हम इसमें राई डालेगा, तेल गर्म होने के बाद, राई यानी सरसों,
उसके बाद थोड़ा जीरा डालेगा, आखा जीरा। उसके बाद सूखा मिर्ची आखा वाला, उसके बाद कारी पत्ता, कारी पत्ता थोड़ा तोड़ के डालो। अभी इसमें लहसुन का जो चॉप किया हुआ है वो पूरा डालो। उसके बाद थोड़ा अदरक का चॉप किया हुआ डालो। ये 2 मिनट सौते होने के बाद, हल्का हल्का लाइट ब्राउन होने के बाद, मैं प्याज डालेगा और हरा मिर्ची डालेगा। अभी प्याज डालेगा, इसके साथ हरा मिर्ची भी डाल देगा। सबसे एक साथ सौते करना है। अभी प्याज ब्राउन हो गया, अभी इसमें सूखा मसाला डालेगा। सबसे पहले हल्दी डालेगा, उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर है, उसके बाद करी मसाला है। ये मसाला के अंदर आपको गरम मसाला, जीरा, धनिया सब मिक्स है। इसको अच्छे से हिलाना है। मसाला में थोड़ा पानी डाल देना है। ज़्यादा पानी नहीं डालने का, नहीं तो आलू गीला हो जाएगा ज़्यादा। अभी मसाला पाक गया, इसके अंदर आलू डालें। ये उबला हुआ आलू है। अभी पूरा मसाला एक साथ मिक्स करना है अच्छे से। अभी अंदाज का हिसाब से नमक भी डालेगा। ये पहले भी आप डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद हरा धनिया पत्ता डालेगा। अभी इसको 2 मिनट हिला के निकाल देने का, 2 मिनट पका के। यह हमारा मसाला हो गया। ये मसाला पक गया। ये कितना अच्छा मसाला हुआ देखो। अभी हम डोसा का जो डो है वो रेडी हो गया। सबसे पहले तवा को गर्म करना है, उसमें थोड़ा हल्का पानी का छिटा मारने का। एक चम्मच का ही सबसे बेटर लेना है। इसको ऊपर थोड़ा सा तेल डालना है।
इसको साइड थोड़ा आपको निकलने का, अभी डोसा नीचे पक गया है, उसको उसको बीच में थोड़ा मसाला डालेगा। इसको आराम से फोल्ड करना है। दूसरा आरेख बनाना है, बीच में थोड़ा डालने का, फिर आराम से उसको घुमाने का। फिर से थोड़ा ऑयल डालना है ऊपर। फिर इसको धीरे धीरे साइड से निकालना है। फिर बीच में इसको मसाला डालना है। फिर इसको आराम से फोल्ड करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर हुआ। अभी दूसरा भी ऐसे करके बनाएगा। इसको एक ही तरफ से घुमाने का, नहीं तो ये उड़ जाएगा। फिर ऊपर थोड़ा ऑयल डालना है, नहीं तो क्रिस्पी ही नहीं होएगा। ये जो डोसा है ओरिजिनल से थोड़ा अलग है, ये जब अब मसाला बनाएगा डो जब तक बनाएगा तब तक हो जाएगा, नहीं तो असली डोसा बनाने के लिए आपको 12 घंटा टाइम मांगता है। चावल पीस के रखना है, दाल पीस के रखना है, ये जो है इजी है, एक घंटे के अंदर आपको डोसा बन जाएगा। आपका ये मसाला भी डाल सकते हैं, आप नहीं भी डाल सकते, घर पे सांभर के साथ चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। इसको आराम से फोल्ड करो, फिर उसके दूसरा फोल्ड करो। ये साइज में छोटा है, ये घर के लिए अच्छा है, ये बच्चे लोग भी बहुत पसंद करेगा। ये हमारा डोसा हो गया, ये देखिए कितना अच्छा डोसा हुआ, कितना बढ़िया। आप एक घर में आराम से बना के बच्चा लोग को, मेहमान को खिला सकता है, सांभर के साथ खा सकता है, कोकोनट चटनी के साथ खा सकता है। आप एक घर में एंजॉय कीजिए, एक प्लेट लीजिए, उसका अंदर चटनी और सांभर डालिए, आप मजा कीजिए। बाय, खुदा हाफिज। बाय, खुदा हाफिज का नंबर।